दोस्तों ये है चैनल रेन ए और मैं हूँ रैना। लीजिए मैं ले आया हूँ एक और वीडियो आपके लिए। आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैं आपको ले आया था यहाँ चिची माता के स्थापन पे। मैंने आपको ये भी बताया था कि चिची का क्या मतलब है और इस स्थान को ऐसा क्यों पुकारते हैं। पर अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो कोई बात नहीं, उसे देखने के लिए ऊपर आई बटन पे जाएं या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे। वो वीडियो लंबा बन जाने के कारण मैं आपको वापसी का सफ़र दिखा नहीं पाया था जो हमने ठंडी खुई से होते हुए करना था। जैसे मैंने उस वीडियो में आपको वादा किया था कि आपको ठंडी खुई का नज़ारा ज़रूर कराऊँगा, तो लीजिए मैं हाजिर हूँ। यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि जो यात्री पंजाब से होते हुए बाई रोड जम्मू अमरनाथ या वैष्णो देवी जाते हैं वह इसी नेशनल हाईवे से होते हुए जाते हैं। सांबा टाउन से 2 किलोमीटर जम्मू की ओर पड़ता है ये चिची माँ का मंदिर और यहाँ से 17 किलोमीटर आगे है ठंडी खुई। जब भी आप यहाँ से गुजरें तो यहाँ का दर्शन ज़रूर करें और फिर ठंडी खुई पर चाय पीते हुए निकल चलें। आखिर चाय और बर्फ़ी के लिए इतनी मशहूर जो है वो जगह। जम्मू से आने वालों के लिए ठंडी खुई करीबन 18 किलोमीटर दूर है। तो आसपास का नज़ारा करते हुए हम चल पड़े हैं चिची माता मंदिर से ठंडी खुई की ओर। यह है इस इलाके का मशहूर होटल 17 माइल्स। हम चलते तो चले जा रहे थे पर हमें ये पता नहीं था कि हमारे नेविगेशन डिवाइस के साथ कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। गाड़ी में बैठे हुए ये थी हमारी कन्वर्सेशन, आप भी सुनिए। देख लीजिए, रोकना तो रोकूंगा, बहुत दूर है ये ठंडी खुई यहाँ से, यहाँ तक अभी बहुत दूर दिखा रहा है। कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर दिखा रहा है ये डिवाइस। तो 8 किलोमीटर दिखा रहा था पर उस वक्त हम उसके पास से निकल रहे थे। जब तक हमें पता चलता हम आगे निकल गए। इस कारण से हमें 3-4 किलोमीटर आगे जाके गाड़ी को मोड़ के फिर से वापस आना पड़ा क्योंकि बीच में कोई राइट टर्न नहीं था। तो ये है यहाँ का वो पेड़ जिसके नीचे है खुई। खुई यानी कुआं। और भी है कोई वहाँ पे, पर उनके पास जाने से पहले हम कुएं और आसपास का निरीक्षण कर लेते हैं। कुआं कब और किसने बनाया था ये तो पता नहीं पर है ये बहुत पुराना। ये उस ज़माने का है जब गाड़ियाँ थी नहीं, लोग बैलगाड़ी घोड़ागाड़ी और पैदल ही सफ़र किया करते थे। तब से बहुत कुछ बदल गया पर यह कुआं और इससे जुड़ा हुआ इस इलाके का नाम अब भी कायम है। और अगर आपने अभी तक किया नहीं है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबाएं लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। आप कह सकते हैं कि इस कुएं में रखा क्या है जो आप हमें इसका नज़ारा करा रहे हैं। रखा तो ठंडा पानी ही है पर दिस इज़ आवर कनेक्शन विद द पास्ट। यहाँ आने के बाद मैंने आपको बताया था कि इस पेड़ के नीचे है कोई जिसके पास मैं आपको ले जाऊँगा। वो है प्रेरणा स्रोत हम सब के लिए यानी इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। ये हैं एक आम इंसान पर खास भी। ये सारी जनता इन्हीं का इंतज़ार कर रही है कि कब इनकी बारी आए। ये हैं बिशन दास जो देख तो नहीं सकते पर कई सालों से अपने व्यवसाय को बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं।
इनके कारण इनके परिवार के कई लोग और भी रोजगार कमा रहे हैं। ये तोलना, पैसे का लेना देना और बहुत और काम खुद करते हैं बहुत खुश असलूबी के साथ। इनकी चाय और खोया बर्फी खूब मशहूर है। आप भी आएं, खाएं, पिएं और लुत्फ उठाएं। मैं छोड़ जाता हूं आपको इन विजुअल्स के साथ और मिलता हूं आपसे मेरे अगले व्लॉग में। इस बीच आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा और आप आगे और क्या देखना चाहेंगे। मैं वो वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करूंगा।